दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं। बात करेंगे काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट की, साथ ही गौतम गंभीर का केकेआर मैनेजमेंट के अंदर एंट्री को लेकर एक बहुत ही बड़ी हिंट और स्टेटमेंट, और यहां पर न्यूज़ हमारे हाथ लगी है तो वीडियो लास्ट तक देखना। वहीं दोस्तों, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, बट दोस्तों IPL चलता है तो एड्स के अंदर IPL होता है, वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है तो वो बारिश के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है। खैर दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। बात तो आज हम केकेआर की करने ही वाले हैं, टॉप अपडेट्स तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल स्किप मत करना, काफी मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से कुछ अच्छी खबरें भी आती है, कुछ बुरी खबरें भी आती है, बट दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम आपको एक बड़े KKR प्लेयर को हमारे चैनल पर लाइव लेकर आने वाले हैं। आप जरूर कमेंट करके बताओ कि वो प्लेयर कौन सा होने वाला है या कौन सा हो सकता है, आप किसको देखना पसंद करोगे। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है ब्रेंडन मैकुलम को लेकर। दोस्तों, IPL से पहले CPL होने वाला है जिसके अंदर TKR भी है, और फिर IPL होगा जिसके अंदर KKR है। दोनों ही टीमों के हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, यानी दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो जितना ब्रेंडन मैकुलम समझते हैं यानी प्लेयर्स को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता होगा। आप सभी को पता है इंग्लैंड के कप्तान और KKR के कप्तान इयान मॉर्गन नहीं आने वाले हैं, तो अब इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगा या काफ़ी ज़्यादा सवाल बना हुआ है। कॉलिन मुनरो यहाँ काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, इसके अलावा एरोन फिंच का भी नाम सामने निकल के आ रहा है, बट दोस्तों ब्रेंडन मैकुलम की क्या सोच है, ब्रेंडन मैकुलम की क्या चॉइस है? आपको बता दें दोस्तों, जो ब्रेंडन मैकुलम है उनकी पहली चॉइस जो इयान मॉर्गन की रिप्लेसमेंट को लेकर है वो है डेवन कॉनवे। जी हाँ दोस्तों, डेवन कॉनवे जो है वो उनकी पहली चॉइस है जो इयान मॉर्गन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब कितना सही रहेगा ये रिप्लेसमेंट देखते हैं, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है और जिस तरह के डेवन कॉनवे के जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ हैं। खैर, आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग ब्रेंडन मैकुलम जो सोच रहे हैं वो सही है या फिर इयान मॉर्गन की रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। दूसरी अपडेट आ रही है गौतम गंभीर को लेकर, और दोस्तों काफ़ी सारे फैंस ये चाहते होंगे कि गौतम गंभीर जैसा कप्तान KKR को वापस मिल जाए, एज अ कैप्टन नहीं मिले तो एज अ प्लेयर मिल जाए, और एज अ प्लेयर ना मिले तो एज अ कोच यानी मैनेजमेंट के अंदर वो शामिल हो जाए। दरअसल दोस्तों, आप सभी जो सोचते हैं वैसा ही KKR मैनेजमेंट भी सोचता है। उन्होंने काफ़ी पहले काफ़ी सारे लेटर्स गौतम गंभीर को रखे कि वो आए, कुछ ट्रेनिंग दे, कुछ स्पेशल सेशन ले लें अगर वो फुल टाइम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं KKR के साथ। इसके ऊपर दोस्तों अब फाइनली गौतम गंभीर का जवाब अभी के लिए तो आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो KKR के प्लेयर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और वो ज़रूर करना चाहेंगे, पर अभी नहीं, वो फ्यूचर के लिए करना चाहेंगे। यानी दोस्तों, जो फेज 2 होने वाला है उसके अंदर आपको गौतम गंभीर नहीं देखने वाले हैं KKR की तरफ से। हो सकता है आगे उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। तो ये थी टीम KKR की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।